खबर है जनपद अयोध्या से। आपको बता दें कि दिव्यांग सपा नेता पंडित समरजीत का एक अनोखा अंदाज देखने को मिला है। जी हां, आपको बता दें कि गड्ढा युक्त सड़कों पर वाहन लेकर आ जा रहे लोगों को लड्डू खिलाकर भाजपा सरकार का उपहास उड़ाया। दरअसल बीकापुर क्षेत्र के पिपरी जलालपुर मार्ग से चन्हा चौराहा सड़क पर दशरथपुर चौराहे पर दिव्यांग सपा नेता पंडित समरजीत ने बड़े बड़े गड्ढों के बीच से आ जा रहे वाहन चालकों और राहगीरों को लड्डू खिलाकर योगी सरकार को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। जी हां, आपको बता दें कि पंडित समरजीत ने कहा कि गड्ढा मुक्त का दावा करने वाली भाजपा सरकार जनता को केवल दिखा रही है। वहीं मुंगेरी लाल के सपने, जहां एक तरफ डीजल पेट्रोल की महंगाई से चालक तथा जनता त्रस्त है और दूसरी तरफ सड़कों की दयनीय स्थिति से वाहन अधिक ईंधन खा रहे हैं और दोनों तरफ की मार उत्तर प्रदेश की गरीब जनता को झेलनी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि अपना खजाना सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे होने की वजह प्रतिदिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं, जिससे तमाम लोगों की जानें भी जा रही हैं। हम उत्तर प्रदेश की सरकार से मांग करते हैं कि बरसात के पहले उत्तर प्रदेश के सभी सड़कों और गड्ढों की भराई जल्द से जल्द कराई जाए, जिससे वाहन चालकों तथा राहगीरों को कठिनाई का सामना न करना पड़े। इंडिया 24x7 लाइव टीवी के लिए सतीश यादव की रिपोर्ट। आज आप लोगों को लड्डू बांट रहे थे, इस लड्डू के पीछे क्या राज है? देखिए, उत्तर प्रदेश में सड़कें आज गड्ढा मुक्त हैं हर जगह। आज उसी को लेकर हम जो भी वाहन चालक हमारे राहगीर भाई सड़क से गुजर रहे थे, आज हम उनको लड्डू खिला के उनका मुंह मीठा करा रहे थे और आज हम उनको दिखा रहे थे कि ये देखिए उत्तर प्रदेश सरकार की मुंगेरी लाल के जो सपने दिखाए थे आज उसमें आप लोग चल रहे हैं। अरे, एक तरफ उत्तर प्रदेश की सड़कें आज गड्ढा युक्त हो गई हैं, चलना दूभर हो गया है, चारों तरफ दुर्घटनाएं हो रही हैं, लेकिन सरकार को होश नहीं आ रही है। अरे, 2 महीना बाद बरसात चल जाएगी, सड़कें बनना बंद हो जाएंगी, बताइए हमारे वाहन चालक राहगीर भाई कहाँ जाएंगे? सरकार से हम मांग करते हैं कि 2 महीने के अंदर अंदर पूरे उत्तर प्रदेश के समस्त गड्ढों को भरने का काम किया जाए, जिससे हमारे वाहन चालक तथा राहगीर भाई सुरक्षित रहें।